तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज ना गाइस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो जो कि हमारे जितने भी बाइकर्स जो कि मोटो ब्लॉगर है, स्पेशली फॉर द मोटो ब्लॉगर्स, तो आप मेरे हाथ में देखो जो कि अमेज़न से एक छोटा सा पैकेट आया होगा। सो इसके अंदर क्या है वो आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा इसको फाड़ फूट के दिखाएंगे और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन फटाफट इसी दौरान आपको बताएंगे भी। तो पहले इसको हम खोल लेते हैं। तो गाइस ये जो हमारा है सिंपल सा चेन माउंट, जो कि अब तक का शायद ये मेरा पांचवा ऑर्डर होगा और सबसे बेस्ट है ये, और दिखने में भी आपका छोटा सा है। और इसको मैं दिखाऊंगा आपका पावर कंट्रोल का। तो भाई आपने देखा होगा अभी फिलहाल ज़्यादा आदमी लोग वो स्ट्राइप माउंट जो कि उलान जी का आता है वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने भी पहले ऑर्डर किया था उलान जी वाला, तो मुझे पहले लगा कि ये वाला माउंट काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप के लिए या फिर हमारे हेलमेट के लिए, बट मुझे कभी कभार ऐसा लगा वो हिलता था, लाइक वो स्ट्रैप जो होता ना कभी कभार जब हम लोग ब्लॉग करते मुंड इधर उधर करते थे तब वो पूरा हिलता था, लाइक गोप्रो पूरा हिलता था। जब फिर जब मैंने सेकेंड ऑर्डर मैंने ये चीज़ देखा मेरा एक फ्रेंड का, तो मुझे काफ़ी कूल लगा और दिखने में देखो काफ़ी अच्छा है। और ये जब हम लगाएंगे ना अपने हेलमेट पर तो आपका वो हेलमेट का जो शेप है वो आपका बिगड़ेगा नहीं और जो लुक्स है वो उसी तरह रखेगा। तो स्ट्राइप माउंट्स मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सो फिलहाल अभी ये है ब्लू आर्मर का जो कि अभी फिलहाल अमेजोन पे आप सर्च कर सकते हो और ये बिल्कुल अलावा लाइक 400 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल मिलता है और 250 भी 250 का भी है, वो आप चेकआउट कर लेना, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो जो कि ये ब्लू आर्मर का। तो इसी दौरान मैं आपको साथ साथ इसको मैं माउंट करके दिखाऊँगा और शायद आपने जो मेरे पिछले जो भी वीडियो सब देख रहे हैं जो मैंने नेपाल में गया था और हेलमेट सब दिया था, तो एक अपने लिए एक छोटा सा हेलमेट लेके आया हूँ जो कि सिंपल सा एजेंसी का ये वाला। तो फिर इस पे अभी हम इसको यहाँ पे माउंट करेंगे इस तरह से। ये देखो अगर इसी हेलमेट पर अगर मैं वो स्ट्राइक माउंट यूज़ करता जो उलान जी वाला, तो फुल्ली मेरा यहाँ पे अलग से वो ब्लू कलर का पट्टा फिर से स्ट्राइप फिर से एडजस्ट वो करना मुझे होता था, लेकिन इससे देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या करना है इसको यहाँ पे पेस्ट करना है इस तरह। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे माउंट का वो क्लिप लगा हुआ है। चलिए फिर फटाफट इसको माउंट। तो गाइस जब भी आप इसको जब आप ऑर्डर करते हो और आप इसको यूज़ करते हो अपने हेलमेट पर, आप एक चीज़ नोट करना, ओनली फॉर द वन टाइम यूज़, ऐसा नहीं कि आप एक बार पेस्ट करो फिर निकालो फिर दूसरे, ऐसा नहीं, क्योंकि इसका जो ग्लू है ना वो काफ़ी पावरफुल है और ये निकलता भी नहीं है आसानी से। तो चलिए फिर इसको मैं पुल अप करता हूँ इस तरह से निकाला मैंने। अभी आप देखना आप डायरेक्शन देखना है अप और डाउन, तो ये चीज़ रहेगा हमारा इस तरह से। पहले अपना सरफेस को पहले अच्छे से आप पहुँच लीजिए, देखो थैंक यू, पहले इसको आराम से साफ कर ले, उसके बाद एंगल। तो देखो भाई सिंपल सा है, बस आपको पहले अपना एंगल जो मिलाना है आपको कहाँ पे आपको ग्रोपो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए तो जब आप ग्रोपो माउंट करते हो तो ये पोजीशन सबसे बेस्ट रहेगा। कोई लोग मुंडी के ऊपर करते हैं, कोई लोग साइड पे करते हैं, मैं कहता हूँ ग्रोपो का एकदम बेस्ट पोजीशन ही यहाँ पे चिन पर, क्योंकि आप जो आप दिख रहे हो वही आप दिखा रहे हो। सो दिस विल बी द बेस्ट प्लेस टू माउंट ग्रोपो एंड उलान जी, जो कि देखो अगर आपका हेलमेट का शेप इस तरह से है तभी भी चिपक जाएगा। यदि आप AGV यूजर्स हो, AGV का थोड़ा सा शार्प रहता है तो उसे भी आराम से चिपक जाएगा। जैसे आपने पहले देखा होगा मेरे पास डेकिन था, तो डेकिन का भी जो फ्रंट फेस जो था वो काफ़ी पॉइंटेड था, तो उसे भी मैं यही यूज़ करता था। तो चल देखो आराम से यहाँ पे ब्लू आर्मर का लोगो हो चुका है और ये भी अलग से मन हो चुका है, और ये मेरा नया हेलमेट जो कि HSC का फुल फेरिट ब्लैक, और ये जो कौन सा मॉडल आपको अगर जानना है तो ये है आपका CS15। ये अभी ब्लैक में ना लाइक अभी आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप ढूंढते हो नेपाल पर तो आपको मिल सकता है। सो यार गाइस सिंपल सा वीडियो था आप लोगों के लिए, एक जानकारी जो जितनी हमारे मोटर ब्लॉगर के लिए, मैं कहता हूँ
ये चीन माउंट आप यूज़ करना, आपका जो पैसा ना वो वसूल रहेगा, और प्लस आपका जो हेलमेट का जो डिज़ाइन है, कितने महंगे महंगे हेलमेट आप लोग यूज़ कर रहे, लाइक 30,000 25,000, तो वो चीन माउंट, फिर वो कोई स्ट्रैप, वो क्या बोलते हैं उसको, एम सील करके लगाते हैं, वो सब पूरा हेलमेट का जो रहता है ना सेप ही बिगाड़ देता है। सो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, सिंपल सा। या दस ऑल फोटो गाइस, अगर आपको ये चीज़ परचेस करना है तो या यू कैन चेक माई लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। और या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।